बेमेतरा के बिरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुम्हीगुड़ा में संचालित राशन दुकान संचालक हितग्राहियों को कम राशन दिया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने राशन दुकान के संचालक से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने SDM और जिला खाद्य अधिकारी से की थी, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी बात से नाराज होकर आज किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। कुम्हीगुड़ा का हमारे किसान साथी लोग आए हैं कि राशन दुकान में जो धांधली हो रही है, 35-35, 40-40 किलो चावल कम दिया जा रहा है। इसके पहले भी कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 किलो एक्सेस चावल देने का आदेश किया था, उसके बावजूद ये शिकायत कुम्हीगुड़ा नहीं, मैं बहुत सारे गाँव में ये देखने को मिल रहा है कि राशन दुकानों में धांधली की जा रही है किसानों को, और जो वहाँ के जो हितग्राही हैं उनको बराबर चावल नहीं दिया जा रहा है। इसमें फूड अफसर को कहा है, जो इंचार्ज है, कि उसको तुरंत देखेंगे, स्वयं देखेंगे करके, और उनकी समस्या का समाधान उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर तो हो जाए।